हेलो फूडीज, वेलकम टू माद्रिस फूड स्टूडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं भगर के यानी वरई के डोसे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप भगर यानी वरई लिए हैं। और 1 कप साबूदाना लिया है। मेरा 1 कप 200 ml के बराबर है, मैंने वो मेजरमेंट से लिया है। अभी दोनों को अच्छे से भिगोना है। साबूदाना और वरई डूब जाएगा, इतना ही पानी हम इसमें डालेंगे और इसको 4 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। अभी 4 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हो साबूदाना अच्छे से भीग चुका है। ये से टू ट्राई मतलब अच्छे से भीग चुका है। और ये भगर है, अभी ये दोनों को अच्छे से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम लेंगे मिक्सर, इसमें मैंने 6 हरी मिर्च ली है। और इतना अदरक लिया है, अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। ये उपवास के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें लहसुन नहीं डाल रहे हैं। अगर आप ऐसे ही खाने वाले हो तो आप लहसुन डाल सकते हो। इसको हम एक बार ग्राइंड करके लेते हैं। अभी वो अदरक और मिर्ची का मिक्सचर है, उसमें हम ये इसमें से आधा भगर डालेंगे। एक्स्ट्रा पानी यूज नहीं करेंगे, जो भगर में पानी है वो यूज करेंगे। ये मैंने आधी भगर डाल दी इसमें और ये हाफ साबूदाना। मिक्सर पूरा भी नहीं भरना है इसलिए मैं हाफ अप करके इसको ग्राइंड करके ले रही हूँ। अभी इसको भी ग्राइंड करके लेते हैं। अभी अच्छे से पीस लिया है, भगर हाथ को लगनी नहीं चाहिए, आप ऐसे हाथ से चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है भगर हाथ में लग रही है तो आप इसको अच्छे से और एक बार ग्राइंड कर लेना। अभी ये परफेक्ट है, मैंने इसमें भगर का ही पानी डाला था थोड़ा, कंसिस्टेंसी देख सकते हो। अभी रिमेनिंग ग्राइंड कर लेते हैं। अभी इसको भी ग्राइंड करके लेते हैं। अब ये लास्ट बैच में 1/2 कप पीसी हुई मूंगफली डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड करके लेंगे। और मूंगफली की वजह से भी ये सेकंड बैच थोड़ा गाढ़ा हुआ है। अभी मिक्सर क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे 50 ml यानी 1/4 कप पानी डाला था थोड़ा सा। इसमें 1.5 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन पे क्लिक करना फॉर लेटेस्ट अपडेट। ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। और इसे ढक के बाजू में 15 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक बैटर 15 मिनट के लिए बाजू में रखा है तब तक चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप ग्रेटेड कोकोनट नारियल, इसमें हम डालेंगे इतना अदरक, दो हरी मिर्च, एंड सॉल्ट टू टेस्ट। और इसे अच्छे से ग्राइंड करके लेते हैं। इसको आप ऐसे भी खा सकते हो नहीं तो तड़का भी दे सकते हो, जैसे मैं दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लिया है, इसमें डाला थोड़ा सा जीरा, आप बिना तड़के के भी खा सकते हो इसे और ऐसे भी खा सकते हो। चलिए अभी डोसे बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा घी और डोसा।
उसके ऊपर और थोड़ा सा घी डालेंगे और इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। अभी एक मिनट हो चुका है, इसका ढक्कन निकाल लेते हैं, इसे फ्लिप कर लेते हैं। अभी गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया है, पहले लो था अभी मीडियम किया है। आप देख सकते हो कितना जालीदार बना है और ये हो चुका है। इसे मैं और एक आपको बना के दिखाती हूँ। जब भी डोसा डालोगे तब गैस का फ्लेम लो ही रखना। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा घी और इसे एक मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। अभी एक मिनट हो चुका है, इसको ऐसे साइड से लूज कर लेना है और फ्लिप। आप देख सकते हो कितनी अच्छी जाली आ चुकी है। मैंने इसमें ऑलमोस्ट 125 ml पानी डाला है। आप एक दो डोसे बना के देख लेना और कंसिस्टेंसी चेक कर लेना। मोटा पतला आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। ये साइज के 10 से 12 डोसे इतने बैटर से आराम से बन जाएंगे। अगर आपका बैटर बच जाता है तो आप इसको फ्रिज में 2 दिन के लिए रख सकते हो और जब चाहे तब बाहर निकाल देना आधे एक घंटे के लिए। अब ये दोनों साइड से डोसा रेडी हो चुका है, इसे सर्व कर लेते हैं। इसे ही बाकी के बना लेते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन पे क्लिक करना फॉर लेटेस्ट अपडेट।